माइक्रोस्कोप कौन सा लाया जाता है जैसे? माइक्रोस्कोप मैकेनिकल है जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, तो फिर फालतू है उसके लिए कब तक बहुत समय लगेगा पड़ेगा। हमें सर कुछ नहीं लगना, पहले पहले किए जितनी बैड हो अच्छे से हो जाता है, बटन वाले का नहीं एंड्रॉयड का नहीं हो पाता। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो मिलाने आया, ये हमारे एरिया पड़ता है सरीपी एरिया में आता है, और ये कानपुर में ही लगता है, नहीं कानपुर में आता ना कि हमीरपुर में, कानपुर में ही आता है। तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखा था काफ़ी समथिंग 2 साल पहले, और सॉफ्टवेयर का सारा सब कुछ इन्होंने सेटअप बनाया, और पहले टीवी का काम करते थे काफ़ी टाइम पहले, लेकिन फिर इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया मोबाइल फ़ोन की लाइन में। जब से मोबाइल फ़ोन की लाइन में कन्वर्ट किया तो मोबाइल फ़ोन का सारा इनके पास पूरा काम करते हैं, पूरा फुल रिपेयरिंग करते हैं, तो बाकी और भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम इन्होंने धीरे धीरे करके कम कर दिया। पूरे मोबाइल फ़ोन का जितना काम वो है, स्क्रीन है, सब अपने पास रखते हैं। यहाँ पर सजेती के आसपास के जो दूर दूर के जितने भी लोग हैं, जो दुकान वाले तक हैं, वो भी इनके पास मोबाइल फ़ोन रिपेयर कराने के लिए आते हैं, और सारा सामान सारा काम वो या मोबाइल फ़ोन या आईफोन काम है, मोबाइल फ़ोन में ग्लास रिपेयरिंग का काम है। देखिए सिर्फ ओनली बेसिकली रिपेयरिंग का ही काम करते हैं। ये मशीन है, उसी मशीन में उन्होंने मंगाई, और इसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन में टूटे फूटे ग्लास को चेंज करना, उसको पंचिंग करना, ये जितना सारा सब कुछ है सब पूरा रिपेयरिंग करते हैं। यहाँ पर पूरा सॉफ्टवेयर का सेटअप बना रखा है, EMT डोंगल है, इस डोंगल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी लॉक खोले जाते हैं वो लॉक वगैरह को खोलते हैं। ये सिस्टम है, सिस्टम में पूरा सेटअप बना रखा है, यहाँ पर जो भी सॉफ्टवेयर का रिपेयरिंग का काम है सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करते हैं, ये मशीन का पूरा सेटअप है। टोटली अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से रिपेयरिंग ही है। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, दुकानों से मोबाइल फ़ोन आते हैं ठीक करने के लिए आते हैं, तो वो इन मोबाइल फ़ोन को ठीक करके देते हैं। ये हमारे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, और हमेशा जब भी मार्केट में आते हैं तो मिलते हैं, कम से कम इन्होंने 3 से 4-5 बच्चों को ईटेक स्टूडेंट में ज्वाइन कराया, और इन्होंने पहले किसी दूसरे स्टूडेंट में जो सीखने जा रहे थे बच्चे, तो उन्होंने इनको रेफर किया कि आप सर के पास जाइए। मैं भी पहले कहीं 1-2 जगह 3 जगह कहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई जगह मैं परेशान हो चुका हूँ। उस परेशान होने के बाद फिर इन्होंने हमको सिलेक्ट किया, और कम से कम 2-3-4-5 बच्चों को ज्वाइन करा चुके हैं। आज भी एक लड़का ऐसा था जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग इनके पास आया, कहता था हम कोर्स सीखना चाहते हैं, इन्होंने बोला मेरे पास सीखोगे तो मैं थोड़ा बहुत ही तुमको सिखाऊंगा, अगर तुमको कंप्लीट सीखना है, अच्छा सीखना है, प्रैक्टिस मेरे पास आकर कर लेना, अगर तुमको कंप्लीट सीखना है तो आप हमारे सर के पास जाओ और वहाँ पर पूरा कंप्लीट सीख कर जाओ, ताकि आप बेहतर तरीके से अच्छी तरीके से काम कर पाओगे। तो ये लोगों को गाइडेंस भी देते हैं, और जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि देखो आदमी तभी वहीं पर ट्रेनिंग लेना चाहता है जहाँ पर पहले किसी दूसरे को काम करते हुए देखे, जब तक काम करते हुए देखेगा नहीं तब तक वो कैसे दूसरे को कहेगा। तो इनको देखते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये दूसरे लोग भी इनसे प्रेरित होते हैं, वो भी लोग मेरे पास काफ़ी सीख के गए हुए हैं। और आप थोड़ा 2 मिनट के लिए लीजिए, 2020 हाँ 2020 जुड़े हैं, केवल मोबाइल रिपेयरिंग का ही काम करता हूँ। पहले मैं सारा काम करता था, पंखा टीवी मशीन वगैरह सारा कुछ, जब से सचिव जुड़े तब से मोबाइल के अलावा कुछ छूटा भी नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन का पूरा दुकान में अगर देखेंगे थोड़ा सा गंदा रहता है, आज मैंने दुकान पे टोका भी गंदा रहता है, लेकिन कहते हैं कि सर मेरे पास सुबह शाम तक इतना काम रहता है, काम रहता है कि शाम तक हालत ख़राब हो जाए, शाम तक हालत ख़राब हो जाए, कस्टमर को ही नियम नहीं चाह पाते। आप अपने पास एक बंदा जरूर रखो, लेकिन वो थोड़ा सा भैया का इतना वो इंटरेस्ट नहीं लेता क्या तुम्हारे साथ? वो जब तक बैठा तब तक तो काम देखते, बाकी जाके मैच मैच देखता ही रहता है, बस मैच खेलता है। हम जितना काम आता था बगल में बैठे भाई, अब तो करेगा काम, जब तक करेंगे इसके बाद ये नहीं कि मेरा काम हो गया तो आप बिल्कुल फ्री हो जाए। इन्होंने अपने भैया को भी काफ़ी चीज़ें सिखा रखी है, और आज इन्होंने बोला है कि सर वो मेरे को डाल लेता है, चार्जिंग बना लेता है, लेकिन अभी एंड्रॉयड का माइक नहीं बना पा रहा, एंड्रॉयड फोन का माइक नहीं बना पा रहा है, क्योंकि हरकत भी डाली था कि हमें नया मतलब ख़राब कर देता है फोन भाई, तुम उसके पीछे बैठे हो सपोर्ट करने के लिए, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हम तो बना ही देते हैं ना, क्योंकि आ जाए साला लगभग में पावर अच्छी तक का काम हो जाता, बस रिवॉल्विंग काम नहीं करते, रिवॉल्विंग काम नहीं करते। तो ठीक है, आप जब आपने रिवॉल्विंग काम नहीं किया तो मेरे पास हफ्ते बैठ के जाओ, और तुमको एक माइक्रोस्कोप हम आगे लेने की सलाह मिलेंगे, और तुमको 5-4-5 दिन लगेगा, 4-5 दिन में तुमको आई सी होगा, हम आपको ऐसे ही अपडेट कर देंगे, आई सी तुमको रिवॉल्विंग सिखा देंगे, एक ही पेंसिल आती है 200-250 रुपये की, और 150 रुपये के बीच में अगर तुम्हारे पास है तुम वहाँ लेके आ जाना, तुम 3-4-5 खाली हमको समय दे देना, आया हाँ हमारे प्रोडक्शन सब कुछ दे रखा है।
मतलब ये सारी चीज तुम आप अपने मन से ही मंगाते रहे आईजीओ मकान के लिए आईजीओ के एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड मोबाइल फोन का आईजीओ का काम आ रहा है, आईजीओ काम बहुत आएगा। अब आईजीओ काम में अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं हाथ में डालते हैं, वही डालता है जिसको काम आता है। नहीं नहीं ऐसा, जब उस टाइम पे नहीं आपको किसी में पड़ी तो आप आओ और 5-6 दिन का बस सब्जी वही पता है वही दिक्कत है कि चोरी हो रही है सबसे बहुत बड़ा जितना जितना व्यापार चल रहा सब लोग चल रहा है बस मार्केट अपनी चल रही है कि सिविल अच्छा है सारा कुछ अच्छा चल रहा है। जब जब 20-21 दिन परिवार बीमारी ज़्यादा लगी रही है ना तो अभी एक हफ्ते पहले शायद कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो एक हफ्ते मिलेगा तो 2022 में काम दे दो, एक दो तुम मतलब 2 दिन के लिए आ जाओगे ना पूरा दिन के लिए, जैसे होली के बाद टाइम पड़ेगा तो थोड़ा काम भी कम रहेगा, तो 1-2 दिन के लिए आ जाना। तो एक दो हफ्ते रहना तुमको आईटी सारा कुछ डालना निकालना खरीद अपना सॉफ्टवेयर सजेस्ट करेंगे सॉफ्टवेयर आए हम लोग से वीडियो भी डाला सारी आप देखना 5-7 वीडियो डाला मैंने कि बोनस सिमेटिक के माध्यम से मोबाइल फोन की लाइन को कैसे ट्रेस किया जाता है कि जो लोग नई नई चीज़ें आते हैं उनको कैसे फॉल्ट ढूंढेंगे अपडेट कैसे हो गए तो आप उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बोनस का काम कर सकते हो। ऐसे यूएसपी आया यूएसपी का भी बात आया है हार्डवेयर का लाइन उससे बेहतर अभी कोई नहीं है। अगर आप उसको यूज़ करोगे तो सर्किट सप्लाई अंदर के वोल्टेज लाइन बात किया उसके लिए सेलिंग तो बंद करनी पड़ेगी ना क्योंकि देना भी होता है कस्टमर को तो करना तो फिर सीधा सा ही काम है तो तुम जो काम कर रहे हो उस काम को करो फिर अपने भाई को उसको मैं ये सारी चीज़ें कवर करा देता हूँ उसको खाली 1,000 रुपये कुर्सी में बता दूँगा तो भाई को रिपेयरिंग करना है बाकी सारा काम मैं ठीक करूँगा और फोन में सेल मिल सकता हूँ सारी चीज़ें। चलो सर तुम्हें मुश्किल हो जाता वो तो सस्ते काम करवाते हैं तो और कोई भी जो डेड फोन है ना अब ये जियो का मोबाइल फोन है इस मोबाइल फोन में WTR IC लगी है और तुम कोई भी एंड्रॉयड फोन में लगा दो तब भी तुम्हारे मोबाइल फोन में नेटवर्क आ जाएंगे। मोबाइल फोन जिसमें तुम्हारे जियो खराब हो इस मोबाइल फोन में 65 WTR IC लगी है इस WTR IC को एक आई सी को अगर तुम दूसरे मोबाइल में डालो अब ये तो खराब मोबाइल फोन है अब भाई हमको WTR डाल करके मोबाइल फोन को चालू कर लेंगे पावर डाल करके मोबाइल फोन को चालू कर लेंगे तो ऐसे करने से क्या रहेगा कि ये घर में स्क्रैप है ना उस स्क्रैप से स्मार्टफोन ठीक हो जाएगा मोबाइल फोन ठीक हो जाएंगे तो उसके बदले हमको 600-700 रुपये इनको डाउन मिलेगा। मान लो Redmi 7A मोबाइल फोन अपना टावर नहीं आ रहा WTR IC खराब वो लोग खींच देंगे तुम्हारे पास बनवाएंगे तुम अपना रिपेयरिंग बोलो भाई IC डालूंगा तो 600 रुपये लूँगा तो वो दुकान वाला भी होगा ना तब भी दे जाएगा तो वो भी अपना 700-800 रुपये लेकर जाकर उसको तो 100-200 से मतलब है और तुमको 600 मतलब एक IC डाल कर खराब से IC डाल के 500-600 रुपये मिल जाएंगे। IC में काम में अगर 2-3 भी फोन ठीक हो गए तो बाकी की अपेक्षा ज़्यादा मार्जिन है। एक फोन का काम वो है 1200 काम वो है 1000 का काम वो है तो वो ज़्यादा 1000-1100-1200 मिलता है 200 रुपये मिलते हैं क्योंकि दुकान वाला होता है वो कहता है 2200 रुपये डालने के लोग देंगे बस उससे आप ये तो वो भी तो आगे लेगा लेकिन ICO काम में क्या होता है कि अच्छा मोटा मार्जिन रहता है दूसरी बात क्या है हमको लोड लेने की जरूरत नहीं भाई घर में छोटी सी टीवी में पीछे चलाओ
और एक बड़ा सा सिनेमा हॉल में देखो, सिनेमा हॉल में क्यों लगता है कि आराम से रिलैक्स बैठे हो, इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसे देखना पड़ता है, ऐसे देखना पड़ता है, तो ऐसे क्या होता है माइंड को प्रेशर नहीं रहता, उससे हमारा आंखों का लाइफ बढ़ता है और हम लोग महीन काम को कर पाते हैं, अब प्रेशर नहीं रहता। अब फिर एक बात और है कि कहते नहीं कि जब आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो खराब कपड़े पहनने का मन नहीं करता, उसी तरीके से मोबाइल फोन में जब आपको महीन महीन काम करना उससे इतना मोटा मोटा टाका दिखेगा तो फिर तुम चार्जिंग कनेक्टर भी इससे नहीं लगाओ, सोचो कि इससे देखना पड़ेगा, उसमें लगाएंगे तो एक तो इतनी मोटी दिखाई देगी, आराम से ऐसे टाका मारो का खर्चा लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमको बहुत अच्छा लगा है कि सब चीज़ें यहाँ तक धुआं हल्का उड़ रहा है वो तक दिखाई देता है, तो इसलिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से जो ऐसे लोग हैं जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम अपने स्टूडेंट की शॉप में जाते हैं, एक दो बार यहाँ से निकले हैं जिनके शॉप पे हम नहीं मिल पाए हैं, हम इसलिए आते हैं ताकि हमारे पास बहुत सारे जो स्टूडेंट जो सीख गए हैं आज अपनी मोबाइल फ़ोन की दुकान चला रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अगर मेरे द्वारा उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या सीखने के बाद भी, जैसे आज इन्होंने बोला कि हमको आईसीओ का काम नहीं कर पाते या कोई भी ऐसी दिक्कत आती, तो हम उनको चाहते हैं कि वो हमारे पास फिर से दोबारा आए और उस चीज़ को सीख करके अच्छे तरीके से खड़े हो जाए, क्योंकि जब आदमी एक बार अपना काम पर लग जाता है पैसे आना चालू हो जाते हैं फिर नहीं चाहता, लेकिन आदमी को बढ़ने के लिए आगे काम करने के लिए अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपडेट ही आदमी को ₹2,500 का आराम।